योम आज़ादी के मौके पर शहर की तमाम मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की व सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गईं, जबकि सूरज की पहली किरण के साथ पाक फौज की जानब से फोर्ट्रेस स्टेडियम में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर कर्नल नदीम असलम समेत पाक फौज के अफसरान, जवान और उनके अहले खाना भी मौजूद थे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम के तहत शहरियों को फोर्ट्रेस स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी तरफ मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक आर्मी के मुस्तद जवानों ने पंजाब रेंजर्स के गार्ड से चार्ज संभाला। गैरिजन कमांडर ऑफ लाहौर मेजर जनरल मलक जफर इकबाल ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खवानी की। विंग कमांडर पाकिस्तान आर्मी कर्नल मोहम्मद अता ने डीजी रेंजर्स की जानब से मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा पढ़ी और मुल्की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की।